हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि अब आप लोग अपने फ़ोन पे में आधार कार्ड से किसी भी बैंक का यूपीआई पिन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो भीम एप्लीकेशन से आप लोगों को पहले प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन अब आप लोगों को भीम एप्लीकेशन से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने जो फ़ोनपे की एप्लीकेशन है उसी में आप लोग प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग अपना जो आधार कार्ड से आप लोग यूपीआई को सेट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी बना सकते हैं। आप लोगों को जो है यहाँ पे यूपीआई आईडी सेट करने के लिए आप लोग को जो है एटीएम कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आप लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं होता था। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड है तो आप लोग अपने आधार कार्ड के नंबर डाल के आप लोग अपने फ़ोनपे में किसी बैंक का यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को फटाफट से बता देता हूँ कि फ़ोनपे में आप लोग बिना भीम एप्लीकेशन का यूज़ किए हुए आप लोग अपना यूपीआई आईडी कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है, आप लोग को फोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे लोगो मिलेगा, लोगो पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग की जो बैंक है यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप लोग को बैंक यहाँ पे ऐड करनी होती है, जिस बैंक का आप लोग को यू पी आई आई डी बनाना है वो आप लोग सिलेक्ट कीजिए। तो मैं इंसुलेंट जो बैंक है उसको मैं यहाँ पे जो है सर्च करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ इंसुलेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इंडसलैंड बैंक सर्च किया और ये बैंक आ चुकी है और ये देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अकाउंट ऐड होने के बाद आप लोग को इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को जो है सेट यूपीआई पिन आएगा और हो सकता है आप लोग को रीसेट पिन आए, तो मैं यहाँ पे पिन बनाऊंगा। आप लोग रीसेट करना चाहते रीसेट भी कर सकते हैं, तो मैं पिन बनाऊंगा। तो रीसेट पिन पे मैं आप लोग जो है क्लिक करेंगे। अब ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले से जो है डेबिट कार्ड की डिटेल डालने के लिए आता था, लेकिन अब यहाँ पर आ रहा है आधार का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोगों का जो टिक अगर डेबिट कार्ड पे, तो आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ पे प्रोसेट के बटन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप लोग प्रोसेट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब ये बोल रहा है एंटर दी फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो आप लोग अपने आधार कार्ड का जो शुरू के जो है 6 अंक हैं वो आप लोग डाल दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और ये नंबर डालने के बाद आप लोग को प्रोसेट के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं फिर से इसको ट्राई करूँगा इसको, क्योंकि टाइम ओवर नहीं होना चाहिए। अब मैं डालूँगा, प्रोसेट पे क्लिक कीजिए। अब ये देख सकते हैं एंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी। अब आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगी। तो ओटीपी मेरे पास आ चुकी है और मेरी ओटीपी यहाँ पे फिल भी हो चुकी है। राइट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है एंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। तो अब आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा एक ओटीपी उस पर सेंड की जाएगी। तो दोस्तों, ओटीपी मेरी यहाँ पे मैंने डाल दी और इसके बाद कर दीजिए राइट। अब ये बोल रहा है सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन। तो आप लोग अपना जो सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन है वो आप लोग सेट करेंगे। तो आप लोग को 4 अंकों का भी सेट डिजिट करने के लिए आ सकता है। तो मेरा 6 अंकों का रहा है, तो मैं डाल देता हूँ अपना यूपीआई पिन और फिर इसके बाद राइट कीजिए। फिर से आप लोग जो भी पिन डालेंगे वो आप लोग फिर से डालिए। फिर से डालने के बाद आप लोग राइट कर दीजिए और राइट करने के बाद आपका जो यूपीआई है वो सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यूपीआई है वो सेट हो चुका है, इसको कर दीजिए डन। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसमें जो मैंने यूपीआई बनाया हुआ है उससे मैं बैलेंस चेक करूँगा। तो मैं चेक बैलेंस पर क्लिक करूँगा और हमारा जो यूपीआई है वो सेट हो चुका है। राइट करूँगा, हमारा जो बैलेंस है वो चेक हो जाएगा। ये देख सकते हैं 16 रुपये हैं यहाँ पे और हमारा जो बैलेंस है वो चेक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इस यूपीआई के थ्रू किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, इसका लेन देन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बिना भीम एप्लीकेशन का यूज़ किए हुए आप लोग अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन से आधार कार्ड का यूज़ करके आप लोग यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप लोग को जो भीम एप्लीकेशन उसका यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब जो है ऑफिशियली आप लोग के जो फ़ोनपे एप्लीकेशन में ये ऑप्शन आ चुका है जहाँ पे आप लोग आधार कार्ड से यूपीआई पिन को रीसेट कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोग अपने फ़ोनपे एप्लीकेशन में आधार कार्ड से यूपीआई पिन को कैसे बना सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से फ़ोनपे में यूपीआई सेट करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूँगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।